क्या कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे जन्म मनाया जा रहा है? जय गुरु। आज हमारे सदगुरु परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 136वां जन्मदिन हम लोग मनाए हैं और यह कार्यक्रम हम लोग हर साल मनाते हैं और इसी तरीके से दिव्य तरीके से और भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसमें हमारे जौनपुर के जितने भी सत्संगी भाई हैं और जो सत्संगी भाई नहीं भी हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, सहयोग करते हैं और गुरु जी के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, हम लोग उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति ठाकुर जी के आदर्शों पर चले और आदर्शों पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आज हमारे इस सत्संग में, इस धर्मसभा में समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, अफसर हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को धन्य धन्य करते हैं और इस प्रकार से आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में शहर का चक्रमण करके यहाँ पर वापस लौटे हैं और सभी लोग यहाँ पर बहुत उत्सुक हैं और बहुत अपने को आनंद का अनुभव महसूस कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी धर्मसभा भी होगी जो तमाम गणमान्य लोग ठाकुर जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनका आनंद लेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज के कार्यक्रम में जैसा कि भी आप देख ही रहे हैं, सुबह से हम लोग धर्म कार्य में लगे हुए हैं और सुबह उपासना के साथ साथ हम लोगों का प्रभात फेरी हुआ है। प्रभात फेरी के बाद सुबह का प्रार्थना हुआ है। प्रार्थना के बाद लोगों ने सूक्ष्म जलपान किया, उसके बाद हम लोग शहर का चक्रमण करते हुए शोभा यात्रा निकाले हैं। ग्राउंड में मतलब सत्संग भी होगा? हाँ, सत्संग हो ही रहा है, सत्संग भी हो रहा है। जो धर्मसभा हमारी है वही सत्संग है हमारा और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चलेगा। शाम 5 बजे? जी जी। कितने लोग शामिल हो रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? शामिल होने की जहाँ तक बात है, 5 से 6 हजार लोग शामिल होते हैं हर साल और जबकि नगर से बहुत सारे लोग भी आते हैं। व्यवस्था में हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, आनंद बाजार जिसको हम लोग भंडारा भी बोलते हैं वो सारी व्यवस्था है और आज विशेष रूप से हमारे शहर से भी डॉक्टरों के द्वारा सहयोग के रूप में मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहाँ पर तमाम हमारे गुरु भाई जो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं वो अपना टेस्ट कराएंगे और उसका समुचित इलाज किया जाएगा यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह है। आप क्या है? मैं इस एक संस्था में एक छोटा सा कर्मी हूँ जिनको याजक बोलते हैं और हमारे यहाँ जो भी कर्मी हैं वो सभी स्तर के हैं, SPR हैं, याजक हैं, अधर्यु हैं और सामान्य कर्मी भी हैं।